क्या है ना, खुद का कार वॉश करके थक गया हूँ। अब सोच रहा हूँ सोचा कि भाई आज कुछ नया करते है ना, तो एक वॉशिंग सेंटर में आया हूँ। अभी आज ये लोग कैसे काम करते वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा हाँ, ये लो मशीन चालू कर दिया है, अभी मैट क्लीनिंग चालू है। आज का वीडियो का हीरो मैं नहीं हूँ, आज का वीडियो का हीरो ये मेरे दोनों दादा है जो आज काम कर रहे हैं, मेरा कार वॉश कर रहे हैं। एक्चुअली कार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, मेरे बस के बाद नहीं था, सोचा कि अकेला फुल कार को क्लीनिंग करो तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है, उससे अच्छा कि मैं इनसे कराता और मैं थोड़ा सा आज रेस्ट करता हूँ और एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। ये देखो कार के अंदर जो भी गंदा था काफ़ी हद तक क्लीन हो गया, पूरा मट्टी मट्टी भर गया था। हाल देखो जरा, ये देखो, चलो दादा अच्छा क्लीन कर रहे हैं। और सामने ये देखो, सामने भी सेम वही हाल है, ये देखो पूरा भरा हुआ है। इधर इधर देखो, सामने इधर देखो, बहुत बुरा हाल है। देखो अगर हम इस रैम की बात करेंगे जहाँ पर मेरा कार ऐसा रुका है देखो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या पता है, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जब भी अगर आप अपनी हिसाब से अगर वॉशिंग सेंटर खोल रहे हो तो देखिए जो रैम है, देखो पानी यहाँ पर जमा है, ऐसे इस तरह का पानी जमा नहीं रहना चाहिए। नीचे से थोड़ा ज़्यादा बड़ा नाली होना चाहिए जहाँ से प्रॉपर पानी फास्ट ऐसा निकल जाए। देखो एक्चुअली पानी तो निकल रहा है यहाँ से, देखो ये अंदर से अंडरग्राउंड करके नाली यहाँ पर है, वो देखो ये साइड में नाली है, पानी बहुत ही स्लोली निकल रहा है तो एक्चुअली उतना ठीक से निकल नहीं रहा है, जिस वजह से पानी यहाँ पर स्टॉक है। एक्चुअली ऐसा स्टॉक नहीं रहना चाहिए, तो भी जैसे कार के अंदर नीचे जाकर के अगर ऐसा क्लीन करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, पानी के अंदर कोई आना नहीं चाहता है। ये देखो मेरा कार के नीचे उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मेरा नॉर्मल अंडर चेसिस क्लीनर जो है उससे मैं क्लीन कर लेता हूँ, तो उतना गंदा है ही नहीं इसमें मेरे इसमें फिलहाल। तो कार वॉशिंग करने आप चार्ज कितना लेते हो यहाँ पर? 250-300 अपने। अच्छा नॉर्मली 250-300 चल रहा है यहाँ का रेट ना। हाँ ओके ओके। अभी एक कार वॉश करने के लिए आप दोनों को कितना टाइम लगेगा अभी? ये पूरा आपका एक से डेढ़ घंटा। अच्छा, एक से डेढ़ घंटा लग जाएंगे। ओके ओके। देखो यहाँ का ऊपर का कवर भी निकल दिया, देखो ये कोने कोने में कचरा रह गया देखो, और कवर निकल के वहाँ रख दिया देखो, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो कार वॉशिंग चालू किया, सबसे पहले मैट को क्लीन करके यहाँ पर टंगा दिया, इसको सूखने के लिए डाला, क्योंकि नहीं तो वॉशिंग हो जाएंगे कार लेकिन आपका मैट सूखेगा नहीं, तो इस वजह से सबसे पहले इसको ही क्लीन करते हैं, बाद में अंदर इंटीरियर क्लीन है, अभी क्लीनिंग चालू है। तो दोस्तों इन्होंने इस जगह को ना रेंट पे लिया हुआ है, तो 12,000 रुपये रेंट देते हैं। और दूसरा बात है, यहाँ का जो मेन मालिक था ना यार, वो लगता है उसका एक्सपायर हो गया, क्योंकि नॉर्मली लास्ट टाइम जो था उसका ओरिजिनल मालिक था उस टाइम यहाँ पर वॉशिंग सेंटर में, तो कोरोना में उनका डेथ हो गया, तो उसकी वजह से अभी उन्होंने इस वॉशिंग सेंटर को देखो भाड़ा पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है। क्या ज़्यादा डीप क्लीन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शॉर्टकट में मारो, क्योंकि नॉर्मली मेरा तो वॉशिंग चलते रहता है, क्लीनिंग चलते रहता है, शॉर्टकट में मार दो बस करो। और कितना करोगे? बहुत हो गया बस, अभी बाहर साइड क्लीन कर दो, रहने दो। कितना कार आ जाता है आपके यहाँ पर वॉशिंग करने के लिए? 6-7 बस। हाँ अच्छा, हाँ बाइक कितना आ जाता है दिन में? 10-15। हाँ चलो, मतलब कुल में बाइक का कितना चार्ज लेते हैं आप? 50। एक सेकंड, बाइक का 50 रुपये सिर्फ? अरे अच्छा, फोम स्प्रे किया तो आपने 100 रुपये। नॉर्मली 50 में क्या करते हो आप? अच्छा शैम्पू तो नॉर्मली हाथ लगा के वॉशिंग करते थे ऐसा? हाँ समझ गया समझ गया। ओके ओके, अगर फोम स्प्रे किया तो फिर 100 रुपये लेते। अच्छा पॉलिश लगाएंगे तो 150 रुपये। ओके ओके ठीक है। तो नॉर्मली निकल जाता है, मतलब रेंट तो 12,000 तो है, उसके बाद नॉर्मली दिन का 1,000-2,000 हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब चालू हो गया पानी मारना, देखो यहाँ से ऑन कर दिया, अब चालू। एक्चुअली मशीन में प्रेशर ज़बरदस्त है, पावरफुल प्रेशर है। हाँ थोड़ा स्प्रेड करके मारो, हाँ पॉइंटेड करके मत मारो, स्प्रेड करके ही मारो। हाँ वेरी गुड, एकदम पावरफुल प्रेशर है इसमें यार क्या। लेकिन इसका क्या, ओल्ड मॉडल मशीन है वो, प्रेशर ज़बरदस्त है लेकिन ओल्ड मॉडल है, 3 पिस्टन मशीन, प्रेशर में कमी नहीं है। लेकिन क्या, एक बार मशीन चालू कर बस नॉन स्टॉप चलते रहता है, ये सीन है। अगर जिसके पास पानी की कमी है वो ये मशीन यूज़ नहीं कर सकते, जिसके पास अनलिमिटेड पानी है वो ये वाला मशीन यूज़ कर सकते हैं रफ एंड टफ यूज़ करने के लिए। दादा बिल्कुल वॉशिंग में एक्सपर्ट है, पास हो रहा है देखो एकदम जबरदस्त।
अब देखो सबसे पहले एलॉय व्हील को शैम्पू अप्लाई करना है। ये देखो सबसे पहले शैम्पू अप्लाई कर दिया, उसके बाद ब्रश मार दिया। जैसे ब्रश मारा देखो पूरा गंदा गंदा मट्टी निकल रहा है इसमें से। ये बिल्कुल देसी तरीका है ना। तो नॉर्मली जो वॉशिंग सेंटर जो लोग चलाते हैं ना, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी वीडियो में दिखाते हैं इंटरनेट में तमाशा बहुत ज़्यादा है, ऐसा करो ऐसा करो, ये केमिकल वो केमिकल, एक्चुअली ऐसे सिंपल तरीका यही है। देखो सबसे बेस्ट तरीका वही है। और आप नया नया कुछ भी करो, लास्ट में घुमा फिरा के लास्ट में यही तरीका आजमाना पड़ता है। शैम्पू अप्लाई करो, बाद में सीधा ब्रश मारो, यही चीज़ें करना पड़ता है। देखो ज़बरदस्त हो रहा है एकदम। ये देखो यहाँ पर घिस दिया, यहाँ पर प्रॉपर चारों व्हील पहले क्लीन कर लिया। ये देखो अभी चारों व्हील को क्लीन करके हो गया, शैम्पू मार के ब्रश मार के चकाचक हो गया। अब फिर से पानी मारेंगे, उसके बाद फुल बॉडी को अच्छे से शैम्पू अप्लाई कर देंगे। तरफ से पानी मार के हो गया, और यहाँ पर छोटा सा बाल्टी में शैम्पू प्रॉपर फोम बना ले लिया कपड़े से, और उन्हें सीधा अप्लाई कर रहा है कार। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ भाई आज कुछ नया हटके कुछ मैंने ट्राई किया, कि सोचा कि आज मैं कार वॉश नहीं करूँगा, आज मेरे दादा लोग करेंगे, आज मैं वीडियो बनाऊँगा। चलो ये देखो अच्छे से हो गया है, थोड़ा आगे ज़रा सा बाकी, और बाकी तो फुल हो गया है। और आप जब वॉशिंग सेंटर बनाते हो तो आप कोशिश करना इस तरह का छाव रहे। देखो ऊपर देखो ऐसा ब्लू कलर का ये लोगों ने जिली डाल दिया, आप अपने हिसाब से शेड डाल सकते हैं एडवेस्टर से, या तो देखो आसपास पूरा झाड़ भरा हो, देखो ये बड़े बड़े पेड़ है ना, तो इससे क्या होता है, ये देखो पेड़ का छाव मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें कुछ खास बात है। देखो ये देखो ये ऊपर पूरा छाव दिख रहा है आपको, इससे क्या होता है यहाँ पर धूप नहीं आते, और जब धूप नहीं आते ना तो फिर कार का बॉडी ठंडा रहता है, और जब ठंडा बॉडी में जब आप कार वॉशिंग करते हैं ना उसमें अलग एक बात है, क्योंकि देखो आपने शैम्पू अप्लाई किया तुरंत तुरंत सूख गया बॉडी गर्म होने से, तो ऐसे में शैम्पू का प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और जब कार जब आप अप्लाई करोगे शैम्पू, तो शैम्पू जब सूखता नहीं है तो ऐसे में जब पानी मारते हो इजीली हर चीज हर काम इजीली हो जाता है, डर्ट जो वो डीपली क्लीन होकर निकलता है। लेकिन जब आप शैम्पू अप्लाई करते हो फटाक से एक सेकंड के अंदर शैम्पू सूख जाता है बॉडी गर्म होने की वजह से, तो ऐसे में फिर कार वॉश करके मजा नहीं आता है। तो इसलिए आप कोशिश करना जो आपका वॉशिंग सेंटर है वो कभी भी झाड़ के नीचे हो तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस डबल हो जाता है खाली एक झाड़ के रहने से, क्योंकि देखो गर्मी के टाइम बहुत सारे कस्टमर लोग आएंगे, अरे वो धूप के पास है पता नहीं, खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, ऐसा कई सारा दिक्कतें हो जाता है। और जब आप शेड डालोगे तो शेड के नीचे गर्मी लगता है, लेकिन इस तरह का झाड़ रहेगा, झाड़ के नीचे आपने अगर बनाए वॉशिंग सेंटर कि भाई मैं क्या बताऊँ, वो जबरदस्त अलग ही बात होता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली से देखा है। और रायपुर में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर दो वॉशिंग सेंटर है, तो एक धूप में है और एक छाव में झाड़ के नीचे है, तो झाड़ के नीचे वाला जो है वॉशिंग सेंटर जैसे उसका नीम का झाड़ है, तो भाई मैं क्या बताऊँ उसका बिजनेस हमेशा ज़्यादा टाइम चलते रहता है। जो धूप में है बड़ा शेड है लेकिन उसे गर्मी है तो कोई ज़्यादा आते नहीं लोग, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, इतना अच्छे से शैम्पू वालों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो शैम्पू यूज़ करते पता आपको कौन सा, देखो ये एक दो रुपये वाला क्लिनिक प्लस वो लोग ये यूज़ करते, देखो अच्छा था एक नया कर रहा शैम्पू हेयर वॉश करने वाला शैम्पू। एक्चुअली इससे कार वॉश करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो इसे, बहुत लोग ऐसे करते हैं इंडिया में, मुझे लगता है 80% लोग तो बस हेयर वॉश शैम्पू जो उसी से अपना कार को वॉश करते, तो पेंट के लिए कोई डैमेज वाली बात ही नहीं है, बहुत सही है ये चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पेंट डैमेज नहीं होता, कोई हार्मफुल नहीं है पेंट के लिए, कार के पेंट के लिए हेयर वॉश शैम्पू। देखो दोस्तों मेरा कार दिखने में ऐसा दिख रहा है जैसे कि शोरूम से निकल के आया होगा, देखो जरा एक्चुअली कार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा मट्टी मट्टी हो गया था, क्या जब मैं रायपुर से आया हूँ अपने गाँव में पूरा रोड पर पूरा रोड खराब था और पूरा कीचड़ हो गया था पूरा, लेकिन अब देखो कार कैसा चमक रहा है, ज़बरदस्त एकदम चकाचक हो गया। देखो इनके यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है, देखो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है ना अच्छा वाला क्वालिटी का, देखो अपना कार को पोछने के लिए वो लोग ये यूज़ करते हैं, तो मुझे एक चीज़ एक अच्छा लगता है, छोटा सा वॉशिंग सेंटर है एकदम गांव साइड में है, फिर भी लोगों को इस बात का समझ है कि एक्चुअली कार को पोछने के लिए देखो इस तरह का माइक्रो फाइबर क्लॉथ ही यूज़ करना चाहिए। ये भी बिल्कुल गंदा हो गया था तो ब्रश से साफ करके क्लीन कर रहा है, देखो जो पीछे का जो है वो जहाँ पर हमारा वो रहता है ना क्या व्हील रहता है एक्स्ट्रा स्टेपनी वहाँ का है, देखो ये देखो प्रॉपर क्लीन हो गया। तो अब मैंने क्या बोला, देखो अंदर साइड में कपड़ा मारने का था उनको ग्लास पे और पता डैशबोर्ड पे, तो उतना ज़्यादा अंदर साइड में ऐसे ग्लास और डैशबोर्ड उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैंने बोला रहने दो कपड़ा मत मारो वहाँ पर, इनको उतना तकलीफ नहीं देंगे, तो बस खाली आउटसाइड जो भी है प्रॉपर क्लीन कर लो बोला मैंने। तो ये लोग आउटसाइड क्लीन करेंगे, देखो ये सबसे पहले देखो ये कांच को वाइप करने के लिए पानी को वाइप करने के लिए देखो इस तरह का चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि इससे वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगे ईजिली पानी रिमूव हो जाएंगे। देखो क्या ये बोरवेल का पानी यूज़ करते हैं ना इससे वाटर ड्रॉप्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इस वजह से ये टेक्निक वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अंदर भी प्रॉपर वापस से मैट डाल दिया है, ये देखो अब दिख रहा है कार वापस से चकाचक मस्त एकदम। चलो अब मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आदत है यार वॉशिंग करने का, तो खड़ा था कि मज़ा नहीं आ रहा मुझे, रुक रुक के आप सोचो कि कार वॉशिंग जब हो ही गया तो आप थोड़ा सा पोछ लेते अच्छे से, इनको थोड़ा तो हेल्प कर देते। यस बाकी नॉर्मली डैशबोर्ड पॉलिश वगैरह लगा के देते लोग, पर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं, अब मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो दादा लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, चकाचक कार क्लीन कर दिया। तो दोस्तों एक काम करते हैं कार को अच्छे से पोछ लेते हैं, बाकी वीडियो और लंबा बना के फायदा नहीं है ना, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।